नमस्कार, मैं नम्रता शुक्ला, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। खंडवा लोकसभा उपचुनाव धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। मंगलवार को क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह से हमारे संवाददाता रोमी सलूजा ने खास बातचीत की। जयवर्धन सिंह ने भाजपा पर कई आरोप लगाए। उनका कहना है कि क्षेत्र में स्थापित संत सिंगाजी पावर प्लांट व इंदिरा सागर बांध कांग्रेस की देन कांग्रेस के समय बनाए गए हैं। मोदी सरकार में महंगाई चरम पर है। पेट्रोल डीजल खाने के तेल में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है, जबकि कांग्रेस के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेट्रोल डीजल कई सालों से नहीं बढ़ रहे थे। 7 साल की मोदी सरकार में महंगाई में भारी बढ़ोतरी हुई। चुनाव धीरे धीरे जोर पकड़ चुका है और हमारे साथ युवाओं के प्रेरणा स्रोत पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। वो लगातार क्षेत्र में ही है और 30 तारीख रहेंगे। क्या अनुभव है, क्या लग रहा है लगातार चुनाव प्रचार में? पिछले एक हफ्ते से मैंने दौरा किया है लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ पर विशेषकर इस बात देखने को मिल रहा है कि जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं देश में और प्रदेश में, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। जनता ने उम्मीद की थी मोदी जी से और भाजपा सरकार की, जो वो बड़े बड़े वादे पहले करते थे जब सरकार कांग्रेस की देश में थी कि बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, आपको लगा कि उस समय 55 रुपये पेट्रोल था, मोदी जी आएंगे रेट कम होगा, लेकिन स्थिति ये बन गई है कि सिर्फ 7 सालों में मोदी जी और भाजपा की नीतियों के कारण आज पेट्रोल पहुँचे 115 पे, डीजल 100 के पार हो चुका है। तो आज आम किसान और चाहे वो व्यापारी भी, चाहे वो मजदूर हो, हर व्यक्ति महंगाई से त्रस्त है। इसके साथ में हम अगर किसान की बात करें तो आज दिन तक पिछले साल जब फसल खराब हुई थी सोयाबीन की, उस फसल का भी बीमा आज तक शिवराज सिंह जी ने नहीं बनवाया, जिससे कि किसान में भारी आक्रोश। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जब 30 तारीख को मतदान होगा तो इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान होकर हमारा सांसद याद करेगा। कांग्रेस के नेता लगातार गृह मंत्री मिश्रा जी से मिल रहे हैं, इसको आप कैसे जोड़ते हैं? क्या मामला क्या, आज भी मिले कल भी मिले? मैंने तो कल ही बयान दिया था कि नरोत्तम मिश्रा जी से पहले राहुल अजय सिंह जी मिले, डॉक्टर गोविंद सिंह जी मिले, सचिन वर्मा जी मिले शायद कल। और वैसे नरोत्तम मिश्रा जी बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं भाजपा के, लेकिन थोड़े आजकल शायद इतने खुश नहीं है शिवराज सिंह जी से। और सिंधिया जब से आए हैं बीजेपी में तो चर्चा ये है कि अब भाजपा बढ़ गई 3 गुटों में, एक है शिवराज भाजपा, एक है महाराज भाजपा और एक है नाराज भाजपा। तो नरोत्तम मिश्रा जी तो नाराज भाजपा में आते हैं, तो अगर उनका कुछ मन बनता है कांग्रेस में आने का तो हम स्वागत करेंगे।